तो नमस्कार, बताइए क्या है आपका? कार्तिक जी, हाँ नमस्कार जी। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक लिया था 82.7 भाव पे। ठीक है, और अभी का आपका है 260 है। जी हाँ नजरिया मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। 82.7 के आसपास की इनकी खरीदारी है, वहां से 9% एक्चुअली गिर चुका है। हालांकि हम जून में देखेंगे तो ये 72 to 73 के आसपास से ही अच्छा एक रिवर्सल आया था। आज भी हमें थोड़ी सी खरीदारी दिख रही है, तो क्या यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है या और भी नीचे गिरने की उम्मीद है यहाँ पर? साथ ही साथ अपना कोई स्टॉप लॉस भी बता दीजिए इस स्टॉक को लेकर। कल रिवर्सल के चांसेस है ये स्टॉक में। वीकली चार्ट पे देखा जाए तो 100 ईएमए का काफी अच्छा सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था। लाइकली चांसेस है कि आज भी अभी भी ये सपोर्ट ले सकता है। मैं कहूंगा कि अगर पोजीशन नहीं बनानी है तो बना के चल सकते हैं। 70-70 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलिए। ऊपर में एज अ टारगेट 85 का देखने को मिल सकता है। 85 जैसे ही क्रॉस होगा ये ऊपरी लेवल पे हमें 93 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो 70 के एसएल के साथ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी यहाँ पे। जी बिल्कुल, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस नीचे लगाए रखिए, ऊपर टारगेट 85 पर आने पे मुनाफा बांध सकते हैं।